Hello children, standard 3rd, subject English 2, chapter 2, sentences. We have learned chapter 1 and now we will learn about chapter 2, sentences. And this is the definition of sentence. A group of words that meet complete sense is called a sentence. A group of words that meets complete sense is called a sentence. Okay, children. Now, chapter 2, sentences. Read this group of words. First, like I cartoons. Ye group of word hai. But this is not, we don't call it sentence because it is not arranged. Ye group of word hai par arrange kiya hua nahi hai. So we don't call it sentence. I like cartoons. Agar ye sentence ko aise arrange kiya hota to hum log इसको ये ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं. सेकंड नंबर इन द गार्डन. डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस. क्या ये दोनों जो है वन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसमें क्या आपको लगता है कि ये मेक सेंस यानी कि मीनिंगफुल है. ये द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स does not make any sense. जो first group of word है वो क्या करते हैं, वो any don't make any sense, वो meaningful sentence बनाते नहीं है. The second group of words makes sense but not complete sense. ये जो second number का है group of word वो थोड़ा सा सेंटेंस का मीनिंग हमको आधा समझ में आता है. इन द गार्डन यानी गार्डन में तो आधा समझ में आता है पर पूरा समझ में नहीं आता है यानी कि नॉट कंप्लीट सेंस. सो नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अभी हम लोग ये दोनों हमने पढ़ लिए तो इसमें ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है बट ये सेंटेंस नहीं है. अभी हम लोग जो रीड कर रहे हैं फर्स्ट नंबर आई लाइक कार्टून्स तो ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है बट ये कंप्लीट मीनिंग इसका हमको समझ में आता है सो हम लोग इसको सेंटेंस बोल सकते हैं. सेकंड नंबर मीना इज वॉकिंग इन द गार्डन. ये भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है तो इसमें भी हमको सब कुछ समझ में आता है तो इसको भी हम लोग सेंटेंस कहते हैं. सी हियर दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस एंड आर कॉल्ड सेंटेंसेस. ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है वो मेक कंप्लीट सेंस एंड इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं सेंटेंस यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. उसका मीनिंग कंप्लीट है समझ में आता है इसीलिए हम लोग उसको सेंटेंसेस कह सकते हैं. यहाँ पे सी हियर चिल्ड्रन ये जो वन क्लाउड है उसमें हमको सेंटेंस की डेफिनेशन दी है तो ये है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो कंप्लीट सेंस बनाता है तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. उसका मीनिंग मीनिंगफुल होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है उसका तो हम उसे सेंटेंस बोल सकते हैं. नाउ सी हियर लेट अस रीड सम मोर एग्जांपल्स. यहाँ पे हमको एग्जांपल्स दिए हैं. फर्स्ट माय अम्ब्रेला. माय अम्ब्रेला, माय अम्ब्रेला है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है पर वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है इसीलिए यहाँ पे क्रॉस किया है. सेकंड फ्रॉम माय हाउस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है पर
but it is not meaningful. So here cross kiya hai. So see here, yahan pe cross kiya hai. Third number, school, a playground, my has. यहाँ पे एक group of word है पर उसको arrange नहीं किया है और इसीलिए उसका जो meaning है वो हमको समझ में नहीं आता है. So यहाँ पे भी cross किया हुआ है. यहाँ पे see here, this side, that is my umbrella. ये जो sentence है उसमें ये group of words है उसमें सारे वर्ड्स को अरेंज किया हुआ है. सो ये इसका मीनिंग हमको समझ में आता है. तो ये है दैट इज माय अम्ब्रेला, तो यहाँ पे राइट किया है. सेकंड नंबर, माय स्कूल इज फार फ्रॉम माय हाउस, तो इसका मीनिंग भी हमको समझ में आता है. मेरी स्कूल, माय स्कूल इज फार फ्रॉम माय हाउस, मेरे घर से मेरी स्कूल दूर है, तो इसीलिए इसमें भी राइट किया है. माय स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड, मेरी स्कूल में प्लेग्राउंड है, तो उसमें भी राइट किया है. ये थ्री सेंटेंस है, यानी कि ये थ्री ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, तो उसमें राइट किया है. और ये थ्री ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है जिसमें रॉन्ग किया है, क्योंकि इसमें ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को अरेंज नहीं किया है और उसका मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग समझ में आता नहीं है. और इसमें जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है वो अरेंज किए हुए अच्छी तरह से, और सो हम लोग इसको सेंटेंसेस बोल सकते हैं. नाउ वी डू हियर एक्सरसाइज ए, टिक द सेंटेंसेस एंड क्रॉस दोज विच आर नॉट. तो हमको इसमें से जिसको हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं तो उसको हम लोग राइट करेंगे यानी टिक करेंगे, और जिसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं उसको हम लोग क्रॉस करेंगे. सो वी सी हियर फर्स्ट, सुहाना इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो सुहाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो राइट, उसका मीनिंग हमको समझ में आता है तो उसमें राइट करेंगे. यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स आपको दिया है उसमें आपको राइट करना है. सेकंड है, हैप्पी आई एम वेरी टुडे, तो इसको आप देख रहे हो, आपको है ना, देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें अरेंज किया हुआ नहीं है. सेंटेंस में सबसे पहला फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो देखो यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे. थर्ड नंबर, द फोन इज रिंगिंग, तो इसको देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेटर टी जो है कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे इसको हम लोग राइट करेंगे यानी टिक करेंगे. फिर फोर्थ नंबर में, इन द मार्केट, इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है और फुल स्टॉप भी नहीं है, तो सो वी डू हियर क्रॉस. फिफ्थ नंबर, इज नॉट ज्योति नेबर माय, तो इसमें भी बच्चों देखो कि यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल नहीं है एंड लास्ट में एंड विथ नॉट अ फुल स्टॉप, एंड जो है उसका फुल स्टॉप से नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे. सिक्स नंबर है, बर्ड्स आर सिंगिंग, इसमें भी कैपिटल है और लास्ट में सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से होता है, तो यहाँ पे राइट किया है. सेवन नंबर, सिंगिंग बर्ड्स, सिंगिंग बर्ड्स इसमें कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, तो इसको भी हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, यानी फुल स्टॉप इसीलिए होता है कि सेंटेंस का एंड होता है वहां पे, और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, मतलब इसका एंड नहीं है, आधा है, ग्रुप ऑफ वर्ड है पर आधे है, सो वी डोंट कॉल इट सेंटेंस, तो यहाँ पे हम लोग को क्रॉस कर देंगे. एट नंबर, कॉलिंग इज मदर रोहन, तो इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो अरेंज नहीं किए, सो डू हियर क्रॉस. नाइन नंबर, व्हाट इज योर नेम, तो ये अरेंज किया हुआ है एंड मीनिंगफुल है, सो डू हियर राइट. तो बच्चों सी हियर,
यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे कैपिटल लेटर है और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन मार्क है क्यों? क्योंकि ये एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो अगर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी फुल स्टॉप होता है, कभी कभी क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसको भी हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे. और लास्ट है द डोर इज ओपन, तो इसका भी ये भी कैपिटल लेटर है एंड फुल स्टॉप है और ये मीनिंगफुल है, तो हम लोग उसको राइट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सी ऑन द पेज नंबर 7. दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ सेंटेंसेस, सम पॉइंट अबाउट सेंटेंसेस. सो फर्स्ट इज अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. सो हमने देखा कि सारे सेंटेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. सेकेंड नंबर, अ सेंटेंस एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. जो सेंटेंस होता है वो लास्ट में उसका एंड फुल स्टॉप से होता है. सी हियर एग्जांपल, द स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडेज. संडे को स्कूल क्लोज होती है, तो लास्ट में सी हियर यहाँ पे फुल स्टॉप है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. सेकेंड, थर्ड नंबर, इट कैन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क व्हेन द सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. जब भी कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका एंड फुल स्टॉप से नहीं बट क्वेश्चन मार्क से होता है. नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल, What are you doing? तो इसमें जो फर्स्ट लेटर W है कैपिटल और लास्ट में ये क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन मार्क किया है. एक्सरसाइज बी, मैच द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स वी गिवन इन द टू कॉलम्स, कॉलम वन कॉलम टू. तो हमको मैच करना है. फर्स्ट हमको दिया है रोहन, तो रोहन में आएगा आंसर डी, स्टडीज इन माय स्कूल. तो फर्स्ट आंसर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी. सेकेंड नंबर, रीना एंड वीना, तो उसका आंसर है ई, आर गुड डांसर्स. तो यहाँ पे वी राइट हियर ई. थर्ड नंबर, माय ग्रैंडफादर, तो उसमें आएगा ए, वॉक्स विथ अ स्टिक, स्टिक से चलते हैं वो, तो उसमें हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे. फोर्थ नंबर, बर्ड्स, बर्ड्स में आएगा बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, तो बी यहाँ पे लिखेंगे. फिफ्थ नंबर, माय मदर, उसमें लास्ट में आंसर आएगा कुक्स गुड फूड, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे आंसर में सी लिखेंगे. नाउ एक्सरसाइज सी, रीअरेंज दीज ग्रुप words, rearrange these words to make sentences, use capital letters at the beginning of the sentences and end with full stop or question mark. तो जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और लास्ट में अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है तो हमको उसको फुल स्टॉप करना है. और अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन वाला है यानी कि क्वेश्चन पूछा है तो उसमें हमको क्वेश्चन मार्क करना है. सी इन द, ओके नाउ सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, माय बेस्ट फ्रेंड रोहित इज. इसमें हमको कैपिटल लेटर नहीं दिया है फर्स्ट और अरेंज किए हुए नहीं है वर्ड्स, तो हमको अरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे माय बेस्ट फ्रेंड इज रोहित. रोहित नेम है इसीलिए उसका आर कैपिटल है और यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल किया है एंड लास्ट में एन में फुल स्टॉप किया है. सेकेंड, इन दीज आई स्टडी स्कूल, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे फिर से. तो सबसे फर्स्ट आएगा आई स्टडी इन दी स्कूल, फिर लास्ट में फुल स्टॉप. थर्ड नंबर, हैव डोसा विल फॉर लंच आई, तो उसमें हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे आई कैपिटल आई, विल हैव
dosa for lunch or full stop. Four number, you do have book my. तो इसको भी हम लोग अरेंज करेंगे. ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो इसमें हम लोग लिखेंगे do you have my book और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फिर लास्ट सेंटेंस इज व्हाट योर नेम, उसका आंसर आएगा व्हाट इज योर नेम, फिर क्वेश्चन मार्क. तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें फुल स्टॉप आता है एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. एंड जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और फर्स्ट लेटर तो एवरी सेंटेंस में कैपिटल ही आते हैं. नाउ सी इन द डी एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वर्ड्स ऑफ योर ओन चॉइस. यहाँ पे हमको हमारी चॉइस के वर्ड्स लिख के हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सी इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम स्कैर्ड ऑफ लिजार्ड. यहाँ पे आप डॉग से अगर स्कैर्ड होते हो, डरते हो तो आप यहाँ पे डॉग लिख सकते हो. आपको अपनी पसंद के योर ओन चॉइस के वर्ड्स यहाँ पे आप लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है लिजार्ड. सेकेंड माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मैंने डिलीशियस फूड लिखा है, आप टेस्टी फूड भी लिख सकते हो. इन द थर्ड सेंटेंस आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स, आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स लिख सकते हो, माय सिस्टर लिख सकते हो, माय ब्रदर लिख सकते हो, आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. फोर्थ नंबर द स्टार्स शाइन ब्राइटली, स्टार्स शाइन ब्राइटली, तो आपको यहाँ पे ब्राइटली लिखना है. फिफ्थ नंबर बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन दी ट्रीज, बर्ड जो होते हैं तो ट्रीज पे नेस्ट बनाते हैं तो इसीलिए मैंने लिखा है ऑन द ट्रीज और बाद में सबके पीछे आपको ऐसा फुल स्टॉप करना है.